The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। गंगानगर थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता और उसके अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी गई। गर्भ के दौरान महिला को धीमे धीमे जहर देकर मारा गया। इसमें मेरठ के प्रसिद्ध हॉस्पिटल न्यूट्रिमा के प्रबंधन पर मिली भगत करने का आरोप है। इसमें मामला दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। विवाहित महिला का परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। देखिए मृतक महिला की कुछ तस्वीरें। देखिए इस मामले में मृतका की मां से मिली जानकारी के बाद डॉक्टर ने मुझे आके, डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने मुझे बाहर आके ये बोला कि बच्ची के अंदर, मेरी बेटी के अंदर बहुत सारे न्यूमरस छोटे छोटे क्लॉट्स हो गए हुए थे और बच्चे की डेथ को बहुत दिन हो चुके थे। बच्चे की जो स्किन थी वो झड़ना शुरू हो गई हुई थी, इतनी उसकी डायलैपिडेटेड कंडीशन हो चुकी थी और वो बहुत ख़राब मतलब कंडीशन में उस समय हो गई थी। उसका बचना मुश्किल था और ये 8 और 9 तारीख के बीच, तब से लेकर 19-20 को ये डिलीवरी हुई है। तब तक किसी डॉक्टर के पास ये नहीं लेके गए, किसी हॉस्पिटल में लड़की को एडमिट नहीं करवाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, बल्कि उसको रोका जा रहा था और हमारे घर में किसी, मेरे को या मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। जबकि 8 और 9 की रात को जो ये सारा किस्सा इन उन लोगों ने किया, अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था। उनको उम्मीद थी कि आज रात ही इसकी लड़की की डेथ हो जाएगी। ये मदर इन लॉ ने और उनके दादा ने और उसके बेटे ने मिलके सबको फ़ोन कर दिया था रिश्तेदारों को कि उसकी हालत ऐसे ख़राब है, लेकिन उन्होंने कहीं डॉक्टर के नहीं लेके गए और हमें नहीं फ़ोन किया और हमें आने से वहाँ रोक रहे थे और लड़की को मेरे पास 15 दिन तक आने नहीं दिया गया। अब आपका आरोप क्या है, हत्या करी गई है? बिल्कुल हत्या की गई, दो हत्या है। हमें, हम ये केस हारे हुए हैं, जिसकी जवान बच्ची चली गई, हम तो हारे हुए हैं। हम ये केस सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं और इसमें न्याय इसलिए दिलवाना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में या इस तरह के बहरूपी है जो घूमते रहेंगे सोसाइटी में, तो आज हम फंसे हैं तो कल आप भी हो सकते हैं, कल कोई और भी हो सकता है, किसी और की लड़की भी इस शिकंजे में आ सकती है। क्या नाम था आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम स्निग्धा मल्होत्रा था। अब देखिए मृतका के पिता से मिली जानकारी। आईजी ने हमें यही कहा कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपका केस ट्रांसफर कर दूं। अगर नहीं हो रही कार्रवाई, एक हफ्ते के बाद आप फिर मेरे पास आओ मल्होत्रा जी, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपका केस ट्रांसफर कर दूं। ये सब जज जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, थक गए हम, बिल्कुल थक गए सारी जगह। फिर मेरे को ये खबर आ रही थी जागरण में और अमर उजाला में, एक मामला दब गया, पिछले 15 दिन से कोई खबर नहीं। और यही चाहते हैं लोग कि बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, जितना पुराना पड़ता जाएगा उतना ख़त्म होता जाएगा। इस दरमियान एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि जो इसकी IO थी वो लेडी थी पूनम सिरोही CO, वो सारा कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, हमारे बयान भी लिया उन्होंने, वीडियो रिकॉर्डिंग करी सारी। बिल्कुल जब एडवांस स्टेज पे थी बात, उनको चेंज कर दिया। उनकी जगह देवेश सिंह CO सिविल लाइन्स को ट्रांसफ़र कर दिया। ये भी सारी चीज़ें मेरे को तो शक में डालती हैं कि ये क्लोज हो सकता है। केस ना खुलने की वजह ये है कि इसमें बड़ा खेल चल रहा है, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े लोग। मैडम से देखिए इस मामले में SP देहात केशव कुमार से मिली जानकारी। गंगानगर में स्निग्धा वाले मामले में मुकदमा दर्ज है सर, उसमें क्या पूरा मामला है, क्या अब तक कार्रवाई हुई सर? ये थाना क्षेत्र गंगानगर में एक 304B का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एविडेंस कलेक्ट हो रहा है और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे अलग अलग हॉस्पिटल के जिन्होंने इसमें इलाज किया था, उन सभी के बयान दर्ज हो रहे हैं और नियमानुसार निष्पक्ष रूप से विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर परिवार का कहना है कि कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, मुकदमा दर्ज है? मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं और एविडेंस के आधार पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है,
जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।